तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कॉम्पी पे, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे बंदे कॉम्पी पे एंटर कर रहे हैं और जो न्यू टीम्स है वो कॉम्पी पे एंटर करके बहुत सारा ग्राइंड कर रही है, बट तभी भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद आपके टीम का परफॉर्मेंस और आपका परफॉर्मेंस एकदम अच्छा होने वाला है। तो इन टिप्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारी जो फर्स्ट टिप है वो ये है कि गाइज, आपको आपका एक शेड्यूल बनाना है। जैसे कि आप जब भी स्क्रिम्स खेलो उसके पहले आपको कम से कम 35 टू 45 मिनट्स प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसी के साथ आपको 5 टीडियम्स प्लस 5 क्लासिक्स खेल लेने हैं। और क्लासिक खेलो तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लेना। इसी के बाद अगर आप स्क्रिम्स खेलते हो तो आपका हाथ पूरा गर्म हो चुका होगा और आप इजीली मतलब एकदम अच्छे से स्क्रिम्स में परफॉर्म कर पाओगे। तो गाइज, हमारी जो सेकेंड टिप है वो ये है कि गाइज, अपने आइडियल्स के कॉल सुनो। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं गाइज, जो न्यू कॉम्पी में है, जो नया नया स्टार्ट किया है स्क्रिम्स खेलना, वो लोग अपने आइडियल का कॉल बिल्कुल भी नहीं सुनते। वो बस अपना खुद का खेलते हैं, आइडियल के कॉल को रिस्पेक्ट भी नहीं देते, बस आइडियल से बहस करेंगे कि भाई यहाँ पे नहीं वहाँ पे चल। गाइज देखो, आपको आपके आइडियल से बहस नहीं करनी है, वो आपका आइडियल है, वो आपके टीम के लिए अच्छा ही सोचेगा। तो हमेशा उसके कॉल्स पे फोकस किया करो, उसके कॉल्स पे भरोसा रखा करो, और वो जैसे बोल रहा है, जिस कंपाउंड में भी डालने बोल रहा है, उस कंपाउंड पे आग बंद करके विश्वास करो और उस कंपाउंड में गाड़ी डाल दो और उसके कॉल को रिस्पेक्ट करो। वो जैसे भी खेलने बोल रहा है आपको वैसे खेला करो। आपको अगर आप सोलो फाइट्स लोगे या अकेला खेलोगे तो गाइज, इसमें आपके टीम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप अकेला खेलोगे तो गाइज आप मर जाओगे किधर तो जाके। उसके बाद आपकी जो टीम होगी वो 3-man बन जाएगी, और जहाँ पे आपको फाइट्स निकालनी होगी 4v4, वहाँ पे आपकी टीम नहीं निकाल पाएगी। तो गाइज, हमेशा अपने आईजीएल के कॉल सुना करो, आईजीएल के कॉल को रिस्पेक्ट दिया करो। तो गाइज, हमारी जो थर्ड टिप है वो ये है कि रोटेशंस को लेट मत करो। गाइज, आप लोग क्या करते हो, मतलब जो भी रोटेशंस आईजीएल ने बोला है कि इस कंपाउंड पे अपने को जल्द से जल्द निकलना है, आप लोग वो कॉल मिस करते हो और आपका आईजीएल आगे चला गया है, आप लोग पीछे के पीछे हो अभी तक। और मतलब तो एक सेकेंड का भी लेट होना नहीं चाहिए गाइज, क्योंकि वो एक सेकेंड ना बहुत मतलब कीमती होता है, क्योंकि आप अगर एक सेकेंड या दो सेकेंड भी लेट कर दो ना, तो उतने में एक दूसरा स्क्वाड वो कंपाउंड होल्ड कर लेता है और आपको जो कंपाउंड मिलना होता है वो कंपाउंड आपको नहीं मिलता। और आप रोटेशंस लेट करते हो तो आपके आईजीएल आगे आप पीछे हो, तो आप अगर पीछे हो गए और आप कोई भी दूसरी टीम आपको मार सकती है, आपके मतलब दो बंदे देखेगा, आप दो बंदे पीछे दो बंदे आगे, तो दो बंदों को देख के पूरी एक स्क्वाड आप पे रश मार के आपको फिनिश भी कर सकती है। तो हमेशा आपको रोटेशंस के टाइम पे लेट नहीं करना। आईजीएल ने जो कॉल दिया है कि इस कंपाउंड पे जल्दी से जल्दी इस कंपाउंड को पकड़ो, तो आपको भी वो कंपाउंड जल्द से जल्द पकड़ना है। तो गाइज, हमारी जो फोर्थ टिप है वो ये है कि गाइज, क्या करते हैं बहुत सारे बंदे जो न्यू होते हैं कॉम्पी में, नया नया स्क्रिम्स खेलना स्टार्ट किए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीधा पुश मार के खेलते हैं, बहुत एग्रेशन में खेलते हैं, मतलब एकदम क्लासिक की तरह खेलेंगे, कुछ नहीं देखेगी कि उसको बंदा एडीएस दे रहा है या नहीं, सीधा अंधा पुश मारेंगे और मर जाएंगे। और हमेशा मतलब उनको सोलो किल दिखेगा तो उसके पीछे भागेंगे, उसका किल लेना का ट्राई करेंगे, ट्राई मतलब पूरा भाग ही जाएगा उसके ऊपर कि किल मेरे को चाहिए। इससे क्या होगा गाइस, किल तो आपको मिलता नहीं है, आपकी वहाँ पे पेटी बन जाती है, उसके बाद आपकी टीम 3-man हो जाती है, आपके टीम को ही नुकसान होता है। तो हमेशा गाइस, कभी भी इतना एग्रेशन में मत खेलो, क्योंकि ये क्लासिक नहीं है, स्क्रिम्स की लॉबी होती है और यहाँ पे सब लोग अपने अपने एडीएस में खेला करते हैं। और यहाँ पे अगर आप सोलो बंदे पे पुश मारोगे तो मतलब आप मरने ही वाले हो। अपने टीम को कॉल्स दो कि यहाँ पे एक सोलो बंदा है, इस पे हम लोग पुश मार सकते हैं क्या, जोन देखो और फिर ही पुश मारो। तो गाइज, हमारी जो फिफ्थ टिप है वो ये है कि आपको हमेशा आपके व्हीकल को एक मतलब कवर की तरह यूज़ करना है। वो कैसे करना है गाइज, आप लोग मतलब आपको आईजीएल ने कॉल दिया है कि आगे जोन है, यहाँ पे जाके होल्ड करो, तो आप लोग क्या करते हो, सीधा गाड़ी लोगे, जोन में जैसे ही एंटर होगे जो भी मार्क है वहाँ पे रोक दोगे और सीधा गाड़ी के पीछे लेट जाओगे। तो इससे क्या होता है गाइज, इससे आपको ज़्यादा कवर नहीं मिलता। हमेशा जब भी आप आपको जो भी आपको मार्क दिया है जोन के अंदर होल्ड करने को, तो आप लोग गाड़ी को थोड़ा उस मार्क पे जाने के बाद गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा लगाया करो, ताकि आपको थोड़ा सा खेलने को भी अच्छा मिले और आपको कवर भी थोड़ा ज़्यादा मिले। तो आपको सीधा जाके गाड़ी नहीं डालनी है, आपको आप जैसी जिस भी मार्क पे गाड़ी डालोगे तो आपको गाड़ी टेढ़ी डालनी है, कुछ इस तरह से आपको गाड़ी डालनी है ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा कवर मिल सके। और इतना मतलब ये कवर होने के बाद आपको जिधर भी लेफ्ट से पड़ रही है, राइट से पड़ रही है, तो आपके टीममेट जो भी पीछे से आ रहे होंगे उनको बोलना है कि भाई राइट से पड़ रही है तो राइट में गाड़ी लगा ले, और गाड़ी को सीधा मत लगाओ गाइस। अपने टीममेट्स को भी बोलो कि टीममेट्स क्या करेंगे, सीधा गाड़ी लेके आएगा और किधर भी डाल देंगे,
अपना गाड़ी तो फोड़ ही लेंगे, ना गाड़ी का कवर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो आपका जैसे ही टीममेट आए, टीममेट को बोल कि भाई लेफ्ट से पड़ रही है, लेफ्ट में मेरी गाड़ी के यहाँ पे मतलब लगा ले तू, ताकि अपने को लेफ्ट से ना पड़े, या आपको राइट से पड़ रही है तो आप राइट में गाड़ी लगा लो। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से गाड़ी लगा लेनी है आपको, इससे क्या होगा गाइज, आपको ना राइट से पूरा कवर हो जाएगा। अगर राइट से आपको पड़ रही है, आप लास्ट जोन में हो और राइट से आपको पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको कवर मिल जाएगा, और मतलब बहुत सारा कवर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम, बहुत सारा कवर मिल जाएगा। तो गाइज हमारी जो सिक्स टिप है वो ये है कि अपने व्हीकल को कवर में लगाओ। तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं गाइज, उनका आइडियल बोलता है कि इस कंपाउंड पे जाके होल्ड कर रहा है अपने को, तो बंदे क्या करेगा गाइज, गाड़ी लेंगे और जो भी आपको कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड पे कैसे भी गाड़ी डाल देंगे, ना उसको कवर में लगाएंगे ना कुछ करेंगे, सीधा कंपाउंड पे गाड़ी डालेंगे और होल्ड करेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं होता, इससे क्या होगा आपकी गाड़ी कोई दूसरी टीम फोड़ देगी, उसके टायर वियर फोड़ देगी, और जो भी आपका अगले रोटेशन होगा उसमें लेट हो जाएगा, या आप जोन में भी मर सकते हो। तो अपने व्हीकल को हमेशा कवर में लगाओ। तो गाइज हमारी जो सेवन टिप है वो ये है कि आपको आपके आइजल ने कॉल दिया है कि इस मार्क पे जाके होल्ड करना है। जैसे कि लास्ट जोन में बहुत सारे एरियाज ओपन होते हैं, या ओपन एरिया में आपको होल्ड करना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे ही जोन में एंटर हुआ तो खुद पे स्मोक करना स्टार्ट करते हो। तो गाइज ये गलत बात है, अगर आप खुद पे स्मोक करोगे तो आपका व्यू ब्लॉक कर दोगे। तो आपको क्या करना है, आपका जो कैरेक्टर है उससे थोड़ा सा आगे स्मोक करो, ताकि आपको बाहर का जो व्यू है वो इजीली देख सके, जो बंदे आपको मार रहे आप भी उनको मार सको। मतलब स्मोक का यूज़ थोड़ा कवर की तरह करो। जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्मोक दूर करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे को बाहर का जो एंगल है, बाहर क्या हो रहा है, जो बंदे मेरे को मार रहे मैं भी उनको मार सकता हूँ, और यहाँ पे मैं स्मोक को एक कवर के मतलब कवर के जैसे यूज़ कर सकता हूँ, स्मोक के थ्रू मैं दूसरों बंदों को मार सकता हूँ। बट यहीं पे मैंने अगर स्मोक लिया और खुद पे डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, खुद पे मैंने स्मोक कर दिया और शांति से बैठ गया, तो यहाँ पे मैं अपने खुद का ही व्यू ब्लॉक करूँगा, ना मुझे बाहर का दिखेगा, ना बाहर कितनी फाइट्स हो रही है, स्क्वाड फाइट्स हो रही है, या आपको लास्ट जोन में फ्री किल्स भी मिलते हैं, मतलब नॉक बंदे होते हैं उनकी किल्स आप निकाल ले सकते हो, वो किल्स भी आपको नहीं मिलने वाले, और वहाँ पे आप मर भी सकते हो। तो हमेशा अपने स्मोक्स को ठीक से यूज़ करा करो। तो गाइज हमारी जो 8 टिप है वो ये है कि अगर आप किसी हिल पे या किसी कंपाउंड पे पुश मार रहे हो, तो हमेशा अपना एक बंदा पीछे रखा करो और उसको बोला करो कि मेरे को ADS दे। मतलब अगर आप किसी हिल पे पुश मार रहे हो और आगे बंदा आपको मारेगा और आपका बंदा आपको पीछे से मतलब कवर देगा, ADS देगा, वो बंदा अगर आप जैसे ही वो बंदा आपको मारेगा, आपने जिस बंदे को पीछे रखा वो बंदा उस बंदे को ईजिली मार देगा। तो गाइज कभी भी किसी कंपाउंड पे या हिल पे पुश मार रहे हो तो एक बंदे को पीछे ज़रूर रखना, ताकि वो आपको ADS दे सके। और आप किसी हिल को होल्ड कर रहे हो या किसी एरिया को होल्ड कर रहे हो और आप आपकी जो टीममेट्स है वो स्प्रेड होके खेल रहे हैं, तो हमेशा आपको आप एक दूसरे के ADS में खेलना है, ताकि आप एक दूसरे को कवर दे सको। तो हमारी जो 9 टिप है वो ये है कि आपको आपके आइजल ने कॉल दिया है कि ये जो सामने वाला कंपाउंड है इसको आपको पकड़ लेना है, इस पर अपने को होल्ड करना है। तो सारे के सारे बंदे सीधा वो कंपाउंड पे मत जाया करो, किसी एक बंदे को बोला करो कि वो कंपाउंड जाके स्पॉट करके आए, और अगर वहाँ पे बंदे नहीं हो गए तो वो कंपाउंड पकड़ ले। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये कंपाउंड होगा तो इसके मैं थोड़ा सा मतलब गोल रोटेशन मारूंगा दूर से ही, और देखूंगा कि बंदे है या नहीं, अगर बंदे नहीं हो गए तो मैं सीधा ये कंपाउंड पे डाल दूंगा। बट अगर आप यहाँ पे आपके आइजिल ने आपको कॉल दिया है कि इस कंपाउंड पे आपको होल्ड मार रहा है, तो सारे के चारों बंदे जाओगे तो गाइज मर जाओगे। एक बंदों को भेजा करो ताकि वो स्पॉट कर सके वो कंपाउंड खाली है या नहीं। तो गाइज हमारी जो 10 टिप है वो ये है कि आपको आपके बैग में कम से कम एक या दो फ्यूल रखने ही है, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, बिना फ्यूल के मतलब फ्यूल गाड़ी में नहीं रखते, और फिर रोटेशन के टाइम पे उनकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, और फिर वो टीममेट को कॉल देते हैं कि भाई मेरे को तू लेने आ जा, मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। फिर यहाँ पे गाइज आपका सीन हो जाएगा, क्योंकि रोटेशंस के टाइम पे अगर आपके गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है तो आप ओपन में फंसोगे, और ऊपर से आप अपने टीममेट को बोलोगे कि मेरे को लेने आ, तो वहाँ पे आप तो मरोगे ही मरोगे और आपका टीममेट भी मरेगा, क्योंकि उस टाइम पे बाकी की टीम्स भी रोटेट कर रही होती है, और उन लोगों ने अगर आपको ओपन में देख लिया तो वो आपको मारेंगे। तो हमेशा अपने बैग में कम से कम एक या दो फ्यूल जरूर रखा करो। तो गाइज आज की वीडियो में बस 10 ही टिप्स थी, तो इन 10 टिप्स को आपको फॉलो करना है। जो मैंने वीडियो में मिस्टेक्स बताई है वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना, और इस वीडियो को आपके टीममेट्स के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी कुछ मिस्टेक्स ना कर सके, और जो मैंने टिप्स बताई है उनको भी फॉलो कर सके। ये टिप्स और मिस्टेक्स जो मैंने बताई है, इनको आप लोग कम से कम 15 दिन तक फॉलो करो। जो मैंने टिप्स दिए वो 15 दिन
तक फॉलो करो, जो मिस्टेक्स बातें ये वो मत करो गाइज, आपकी टीम और आपका जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपके जो टीममेट्स है उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना।